हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी की तरफ से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बिल्कुल अभी अभी एक नोटिस निकाला गया है 20 अगस्त 2020। यहाँ देख सकते हैं नोटिस निकाला गया, तो आइए देखते हैं क्या नोटिस निकाला गया। इंपॉर्टेंट नोटिस आपके सामने लेकर आए हुए हैं। उससे पहले वीडियो पर नया चलो सब्सक्राइब नहीं किया चलो सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे पास आपको हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को रिजल्ट वैकेंसी आती है अपडेट करते रहते हैं। यहां बताया जा रहा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने रिजल्ट का कैलेंडर डिक्लेयर किया है, कब कौन सा रिजल्ट आएगा, कब कौन सा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, यहां बात किया जा रहा है। आइए देखते हैं 20 अगस्त के ऊपर सबसे ऊपर डेट लगा हुआ है। और पहले हमारे बात किया गया है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, जो रिजल्ट का बात इन्होंने कहा था कि जून 2020 में रिजल्ट दे देंगे, और रिजल्ट कब दिया जो रेड मार्क में लिखा हुआ है, रिजल्ट कब दिया उनके बारे में बात किया जा रहा है। 16 जून 2020 को रिजल्ट दे दिया था, यहाँ पर लिखा हुआ है। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2019 से वैकेंसी निकाली गई थी। टायर वन का रिजल्ट के बारे में इन्होंने कहा था कि जून 2020 में दे देंगे, जो रिजल्ट दिया 1 जुलाई 2020 को। अब यहाँ जूनियर इंजीनियर पेपर 2 2018 जूनियर इंजीनियर वैकेंसी निकाली गई थी 2018 में, पेपर 2 का रिजल्ट का बच्चे वेट कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं सितंबर 2020 तक रिजल्ट दे देंगे, यहाँ लिखा हुआ है। एमटीएस जो 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी, पेपर 2 का रिजल्ट का बच्चे वेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अक्टूबर 2020 में आपको रिजल्ट दे देंगे। मतलब आपको और भी वेट करना पड़ेगा एमटीएस के लिए, 2-3 महीने और आपका बढ़ गया। आगे बात करते हैं सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2018 में वैकेंसी निकाली गई थी, उसका पेपर 3 टायर 3 का बच्चे रिजल्ट वेट कर रहे हैं, तो यहां पर 8 मई 2020 को डेट लगा हुआ था, जो कि अभी फिक्स नहीं है कब तक रिजल्ट देंगे। कोरोना वायरस के कारण डेट को और आगे बढ़ा दिया है, यहां पर लिखा हुआ है। तो ये एक नोटिस निकाल के बताया कि रिजल्ट अभी कौन कौन से कब कब आने वाले हैं, जो बच्चे वेट कर रहे थे। उम्मीद करते हैं नया कैलेंडर भी निकालेंगे एग्जामिनेशन का, मुझे लग रहा है कि और एक्सटेंड करने वाले हैं, जो पेपर होने वाला था उसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अभी रिजल्ट का इन्होंने कैलेंडर निकाल के बता दिया, अभी तक जो इनका अनुमानित रिजल्ट का डेट है ये सब है, आप देख सकते हैं।